जस पंजाबी टीम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर है तो सिंघू बॉर्डर पर वो चोटी के खिडारी इतने पहुँचे हुए हैं जिन्होंने देश की झोली में सन्मान पाया तो अज वो सन्मान है आपकी होंद के लिए आपदे जिहड़े पंजाबी है किसान भरा देश के जिन्होंने अंदोलन छेड़िया होया उन्होंने हकों के लिए इतने पहुँचे है। मेरे नाल अजीत सिंह जी ने जिन्हों के सपुत्र देश की कमान सामद्या देखे गगनजीत जिन्हें देश की झोली में कई मान सम्मान पाए है वह भी अर्जुन अवार्ड ही है होर भी सन्मान मिले गगनजीत तो अजीत सिंह की वजह करके मिले है क्योंकि अजीत सिंह ने घरों हाकी की गुड़ती दिती है। अज खुशी महसूस हो रही है माण महसूस हो रहा दर्द महसूस हो रहा की महसूस हो रहा अज खुशी हो रही है दर्द भी हो रहा है खुशी इस गल की है कि सानू मौका मिलया है दर्द इस गल का है हो रहा कि इन्ने किसान बेचारे कि देखी तुम हालत वेख रहे हो गर्मी नहीं सर्दी वेखी बच्चे आए रुल रहे हैं की कुछ कर रहे हैं पर सरकार को पता नहीं कदों असर होएगा इस बना दे सानू जे महसूस होया तो असी सारे प्लेयर ने किया कि यार वेखो ये गौरमेंट साडे लोगों नाल पंजाब नाल की किसानों नाल की ये सारे नाल धक्का हो रहा क्योंकि किसानी नाल ही सारा धंधा बचा है कोई दुकानदार है कोई जिम कोई भी बंदा किसानी नाल ही बचा है किसानी के नाल ही वो अपने घर के अपने बच्चों रोटियां खवाते हैं। अजीत का बड़ा वड्डा मतलब है हॉकी दे विच मेरा सवाल है मैं जी आपदे वल्लों जानकारी दूंगा कि तुहानू किन्ने सन्मान मिले हुए है की कुछ तुसीं कीता होया मतलब साडे दर्शक इस गल नू भरोसे विच उन्ना नहीं लैण पाणगे जिन्ना तुसीं आपदे मूँह दसोंगे तुहाडियां प्राप्तियां की ने जिहड़ियां असीं अज दी पीढ़ी नू दस सकीए। मैं 72 ओलंपिक दे विच ब्रोंज मैडल सी मेरा 73 वर्ल्ड कप च मेरा सिल्वर मैडल सी 74 एशियन गेम्स च मेरा सिल्वर मैडल सी 76 ओलंपिक दे विच मेरा फास्टेस्ट गोल अगेंस्ट अर्जेंटीना वर्ल्ड रिकॉर्ड है जिहड़ा कि मैं 15 सकेंड च कीता जिहड़ा हाली तक कोई माई दा लाल नहीं तोड़ सकिया ते शायद अगों कोई तोड़े। ये प्राप्तियां ने इन्हां दीआं तुसीं सुन लिया इन्हां दे मूहों कि किन्ना फास्ट गोल भी इन्होंने किया होया एक होर खिडारी भी है इन्हां दे इलाके दे नाल ही फिरोजपुर तो जे फरीदकोट नूं जाइए उत्थे भी एक खिडारी है जिन्हें बहुत तेज तरार गोल किया सीगा। अजीत सिंह जी सरकारां नूं तुहाडा सन्मान वापस करना समझ आऊगा? बिल्कुल समझ उन्हां नूं समझना चाहिए नहीं आएगा तो फिर किस काम दीआं ते लाइनां लगनगियां होर भी बड़े तैयार ने पिछे बैठे ने कोई साहितकार कोई जिस हिसाब का भी उन्हें कोई सेंटर गवर्नमेंट अवार्ड मिले है तो मेरे हिसाब से सारे गवर्नमेंट वापस कर दें। किहड़ा सन्मान वापस करना है? मैनू ध्यानचंद अवार्ड हुणे 2020 का मिले मैनू तो 4 महीने होए ने अवार्ड मिलिया मैनू तो 44 साल की मेहनत के बाद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिले जिहड़ा मैं इस धक्के वेख के जिमीदारा के नाल जो हो रहा है तो मैं एकदम माइंड बना लिया कि भी मैं इनू वापस कर देना। मेजर ध्यानचंद भी तुहानू सुणदे पए होणगे कि तुसीं उन्हां दे नाम ते रख्या होया अवार्ड सन्मान है जिहड़ा वो वापस कर रहे हो ध्यानचंद हरा का भी आपका एक यहोजा रुतबा सीगा कि वह भी बड़े अणखी सीगे ते ए तुहानू किसी ने कहा सीगा कोई तुहाडे साथी खिडारी ने कि अजीत जी आपां ये काम करिए जां आपे मन में आई? नहीं मेरे तो मन में आप ही आई सरकार का धक्का होंदिया वेख के मैं कहा सानू इस अवार्ड की कोई लोड़ नहीं गी तो आप यार इन्हू वापस करना चाहिए इस नाल किसानों भी हौसला होंदा इनकरेजमेंट होंदी है हर बंदे नू भाई जिन्ना कोई कुछ कर सकता है वो जरूर उन्हूं हिस्सा पाउणा चाहिए इस मुहिम च। ते तुहाडे बेटे दा गगनजीत दा गिन्नी दा उहदा की कहना सीगा? उहने कहा सी उहने मेरे कदी काम च किसे इंटरफेयर नहीं किया मैं जो मर्जी करा ना करा उहने इह नहीं कहा डैडी तुसीं की कर रहे हो कदी भी नहीं कहा उहने मेरी मिसिज ने समा के आख्या कि इहनूं वापस कर दे। ਕਿੰਨੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ 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 ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ 44 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਲਾਹ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਾਪਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ? ਨਾ 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 ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਡੈਡੀ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਧਮਾਕਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅਵਾਰਡ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੁਣ ਹੀ ਕੌਮ 'ਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਪਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾ ਇਹ 'ਚ ਕੀ? ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਹੈ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਕੋਈ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਵਾਰਡ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਦੈਟਸ ਆਲ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਾਮੰਦਗੀ ਆਈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਮਿਲ ਚੁੱਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਪੋਰਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਹੀ ਗਏ ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਅਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇੰਨਾ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਹੋ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਇਹ ਸਨ ਅਜੀਤ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਉਹ ਚੋਟੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਸਨਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਾਪਸ ਦੇਣ ਆਏ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਤਰਕ ਰਹਿੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ